भारत की महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए इंग्लैंड को पहली बार उसी के घर में क्लीन स्वीप करते हुए ओडीआई सीरीज जीती। आपको बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की ओडीआई सीरीज खेली गई। इस दौरान भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3-0 से सीरीज जीती और इतिहास रच दिया। इसी के बाद से लगातार टीम इंडिया की तारीफ हर जगह हो रही है, साथ ही दीप्ति शर्मा की कॉन्ट्रोवर्सी भी लगातार चर्चा में है। लेकिन अब एक नई कॉन्ट्रोवर्सी ने जन्म ले लिया है। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय टीम का हिस्सा रही तानिया भाटिया ने एक ट्वीट किया है, जिसके बाद से लगातार ECB यानी कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को लोग कोस रहे हैं और उनको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। पूरी बात की अगर आपको जानकारी दें तो भारतीय टीम के साथ इस सीरीज में हिस्सा रही विकेटकीपर बल्लेबाज तानिया भाटिया ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि जब मैं भारतीय क्रिकेट टीम के साथ जुड़ी हुई थी, इस दौरान होटल में कोई मेरे पर्सनल रूम में घुसा। उसने मेरे बैग में से कैश, ज्वेलरी और मेरे कार्ड्स और साथ ही मेरी तमाम चीज़ों को चोरी किया। मेरी वॉचेस चोरी हुई हैं, साथ ही जब मैं इंडियन टीम क्रिकेट का हिस्सा हूं तब मेरे साथ इस तरीके की वारदात हुई है। यह पूरी तरीके से अनसेफ है। उन्होंने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा कि मैं इस बात की उम्मीद करती हूं कि जल्द ही इस बात पर जांच की जाएगी और इस पूरे मामले को सुलझाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि यहां पर ECB के द्वारा सिक्योरिटी में चूक देखने को मिली है जो कि गलत है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूं कि जल्दी इस मामले पर जांच की जाए और इस मामले को संज्ञान में लेकर BCCI भी कुछ कदम उठाए। आपको बता दें कि इसके बाद से लगातार फैंस ECB यानी कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड पर सवाल या निशान खड़े कर रहे हैं। फैंस का कहना है कि जब महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी ही सुरक्षित नहीं है तब कौन सुरक्षित होगा। साथ ही आपको बता दें कि अब होटल ने भी इस को लेकर एक ट्वीट किया है। उन्होंने तानिया के ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए लिखा कि आप हमें अपनी तमाम चीज़ें DM करें, हम जल्दी इस मामले को संज्ञान में लेते हुए आपकी तमाम मामले को सुलझा करके आपकी मदद करेंगे। बहरहाल क्या कुछ होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन ECB का अभी तक कोई भी बयान इस मामले में सामने नहीं आया है। क्या कुछ आपकी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। स्पोर्ट्स के अपडेट के लिए देखते रहिए वन इंडिया। नमस्कार।